पता है पहले जो आंसर देगा हो सकता है वो चीज दोनों को पता हो, लेकिन जो जल्दी बोलेगा ना पॉइंट्स उसके प्लस होंगे। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? क्यों नहीं बोला? मैं मेरे बोलने से पहले मेरे मुंह में आया था तुरंत इसने बोल दिया। थोड़ा भाभी भी रहम कर लो। मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और देखो ये है मेरा भाई, आप इसको तो जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। और ये देखो ये रही भाभी, किचन में लगी है। आज भाभी ने खाना बनाया। भाभी आज क्या बनाया खाने में? मैंने तो खाया नहीं सुबह से ही। पुलाव बनाया मटर। निकाल दो। हाँ निकाल दो। तो गाइस आप इनको जानते ही होगे और जानोगे भी क्यों नहीं, दो दिन से आप इनको मेरे ब्लॉग में रेगुलर देख रहे हो क्योंकि ये गुड़गांव आए हुए थे, इनको जो मंदिर वगैरह जाना था वो सब हो चुका है। तो आज ये कह रहे थे घर जाने की, बट मैं ना बहुत ज्यादा टायर्ड थी तो मैं सो गई थी। आज मैं सारा दिन सोती रह गई तो कुछ भी नहीं किया। तो भाई तो अभी देखो ये मूवी देख रहा है, पता नहीं कौन सी मूवी है ये, थॉर द डार्क वर्ल्ड देख रहा है भाई। तो अभी मैंने क्या सोचा कि दिन भर मैं सोई हूँ तो रात में नींद तो आने नहीं वाली, मैंने सोचा कल ये लोग चले जाएंगे तो क्यों ना एक छोटा सा नहीं, क्यों ना एक कोई चैलेंज किया जाए। चैलेंज अभी हम करने जा रहे हैं, एक बार मैं खाना खा लूं और अपने बाल बांध लूं फिर हम करते हैं चैलेंज। और चैलेंज क्या होने वाला है वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। गाइस भाई का तो खाना आ गया। भाई खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हो? रायता, पुलाव, रोटी, सब्जी। ओके गुड, मैं भी खाती हूँ। क्या? रायता वाली बूंदी। हाँ रायता वाली बूंदी डाल दो, थोड़ा ही निकालना, ज्यादा मत देना। मम्मी कहाँ है? मम्मी बाहर है, बेटू रो रही, देखो क्या कर रही है। गाइस चलो मम्मी को देखते हैं, मम्मी कहाँ है? मम्मी बालकनी में, यहाँ से देखें दिखता है क्या। मम्मी ये देखो भाई महफिल यहाँ जमी है, इंस्टू और पिंस्टू और मम्मी यहाँ है। क्या है यार, यार मत कर यार, अभी ना के आई हूँ, तू सारा थूक थूक लगा के गंदा कर देता है। गेट बंद हो गया, खोल दो, अंदर जाने से। अंदर चलो, चलो आ जाओ। मैं भी चलूंगी अंदर ही। आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो आ जाओ। ओ मेरा बेटा बाहर रोने लगी डर के। अंधेरे में डरती है ये? नहीं, और नीचे देख के पता नहीं क्यों इसको डर सा लगता। अच्छा ऊंचाई से देख के? हाँ, ऊंचाई से। वहाँ नहीं डरती है अपने घर पे, यहाँ पता नहीं क्यों डरती है। अच्छा गाड़ी पकड़ती और छोड़ती है। अच्छा वो जो टॉय रखा हुआ है? नहीं, फिर जैसे रोड पे ना इधर से गाड़ी आ रही है वहाँ से देखना स्टार्ट करेगी, ऐसे देखते 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 जहाँ तक देखेगी गाड़ी वहाँ तक देखेगी। अच्छा फिर उधर से ऐसे ही करेगी, उधर से पकड़ेगी, ऐसे देखते 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 आएगी, इधर छोड़ेगी। आज तो ड्राइव भी कर रही थी ये। हाँ कल फिर करेगी। अच्छा भाई जब से पिंस्टू आई है इंस्टू की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी इसको कम लग रही है, बट कम नहीं है बेटा, तेरे को इतना ही प्यार करते हैं, मुंह बना के साइड साइड बैठा रहता है कि सब उसको खिलाते हैं मेरे को खिलाते नहीं है। ये भी बच्चा है, ये भी बच्चे, दोनों बच्चे। क्या दोनों बच्चे हैं? ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है। ये छोटी है ना? हाँ ये बड़ा हो गया, ये 1 साल का हो गया, 13 तारीख को 1 साल का हो जाएगा ये। तो छोटे बच्चों का प्यार दिखता है ज्यादा, बड़े बच्चों का होता वही उतना प्यार है। बना दिया भाभी? हाँ बना दिया। यहाँ पे खाना खाया जा रहा है और ये देखो लालची यहाँ पे आ गया। हाँ 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 पता है तुझे, खाना दोनों ही लालची है, ये भी लालची, देखो कैसे बैठ गया। इंस्टू नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो, अभी दिया ना खाने को, जस्ट अभी दिया, देख चटकारे मार रहा है, नीचे उतर चलो। पहले इसको देखो कैसे दौड़ रही है। तो गाइस मेरा भी खाना आ चुका है, आज बने हैं चावल और रायता, और मूवी देखते देखते थोड़ी देर खाना खा लूं फिर हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मिक्की को उठाते हैं क्योंकि मिक्की व्लॉग बनाएगा। मिक्की, अरे भाई मिक्की चल ठीक है उठ जा, व्लॉग शूट कर दे हमारा, आ जा। इंस्टा तू सो जा, तेरा काम नहीं है ये, पूछ लाना बंद कर। आजा मिक्की आजा, अभी तक टीवी देख रहे हो? चलो चैलेंज शुरू कर रहे हैं, जल्दी आओ, बताती हूँ चैलेंज के बारे में, खत्म करो इसे भाई, आजा जल्दी आओ, जल्दी आओ। भाई भाभी तो आ गई, मिक्की व्लॉग बना दियो, आजा। तो गाइस हम अपना चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैलेंज के बारे में बता दूं, हम करने जा रहे हैं हु नोज मी बेटर, इन दोनों में से मुझे ज्यादा अच्छे से कौन जानता है, भाई मुझे ज्यादा अच्छे से जानता है या भाभी मुझे ज्यादा अच्छे से जानती है? मैं तो फेल ही हूँ। फेल यार, पहले से ही हार मान के बैठी है। मतलब यार जल्दी जा, बहन भाई एक दूसरे को जानते हो ना। हाँ ये बात देखो भाभी की सही है कि हम साथ में पले बड़े हुए हैं तो हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, पर मुझे नहीं लगता भाई मुझे इतने अच्छे से जानता होगा। तो देखते हैं कि कौन मुझे ज्यादा अच्छे से जानता है, भाभी या भाई। तो चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। पहले इसको बाहर निकालो। इंस्टा यार दुखी कर रहा, तू तो जानता नहीं है मुझे, चल
आएगी, अब कहाँ से आएगा। तो गाइस ये देखो कुछ मैंने पर्चियां बना ली है। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगी और उनमें से 10 सेकंड का टाइम दूंगी इनको, 10 सेकंड में आंसर देना होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा यार इतने ज्यादा क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में आए नहीं रहे, तो फिर मैंने सोचा चलो 5 बना लेते हैं, टाइम अनलिमिटेड दे देंगे, फुल टॉक टाइम। तो अभी क्या किया है मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं जिनमें से मैं 5 पूछूंगी या हो सकता है मैं 6 भी पूछ लूं। तो जो मेरे बारे में ज्यादा जानता होगा, जो जितने ज्यादा आंसर देगा, सही आंसर देगा, उसको मेरी तरफ से 500 अभी कैश मिलेंगे। ठीक है, तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी हो? यस। ठीक है यार, ऐसे मत देखो ना, ऐसे आगे हो जाओ, मैं पीछे हो सकती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछती हूँ। गाइस आपको याद होगा कि मैंने रचित के चैनल पे सेम यही चीज करी थी, उसमें हम दोनों ही थे। वो वाले जो क्वेश्चन थे ना वो सेम मैंने नहीं रखे, क्योंकि भाई को तो टाइम नहीं मिलता, ये बिजी होता है। भाभी मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखती हैं, तो इनको मेरी फेवरेट चीजें और जो भी था आंसर पता होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन बिल्कुल अलग रखे हैं। वो सेम क्वेश्चन नहीं है ताकि वे मेरे बारे में ना बता पाए, तो किसी के साथ कोई ना इंसाफी नहीं है। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। नहीं देखा था? पहला क्वेश्चन, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? जिसको आता है वो बताने से पहले बताओ। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, जल्दी बताओ। एक्टर का तो पता है, एक्टर तो मैं सबको पता है, एक्टर पता है। एक्ट्रेस इसलिए मैंने एक्ट्रेस पूछा है, मुझे बहुत फेवरेट है वो। कोई हिंट? क्यों, जैसे नया नए में या पुराने में, क्योंकि एक्ट्रेस तो बहुत सारी है। सोचो ना। नहीं यार, गैस भी नहीं कर रहे यार ये तो। अच्छा, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? 10 सेकंड का टाइम है बस। चला गया 10 सेकंड तो कब के हो गए? मैंने अनलिमिटेड टाइम दे रखा है, लेकिन इतना नहीं, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता यार। नहीं रानी का पादुको नहीं, मुझे नहीं आता। आलिया भट्ट फिर नहीं आता। अरे याद आ गया, टैक्सी पन्नू। भाई को मिलते हैं 1 पॉइंट। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तापसी पन्नू है। अभी मैं पूछती हूँ सेकंड क्वेश्चन, मुझे खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? 1 2 स्टार्ट। खाने का मतलब क्या? खाने मतलब लाइक मैं बताती हूँ, खाने में डेजर्ट वगैरह हुआ या नहीं? वो तो स्वीट्स में हो गया ना, मीठे में हो गया। लाइक घर में जो खाना बनता है डेली एक बेस पे, दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ दाल फ्राई और राइस। तुम बताओ। खाने में ज्यादा पसंद है खिचड़ी। खिचड़ी, खिचड़ी फारा, चाय पराठे। नहीं नहीं, ये तो गाइस भाभी लिस्ट बनाने लगी। भाभी ने आंसर सही दिया है, मेरे को दाल चावल, दाल येलो दाल और चावल पसंद है, मैंने लिखा भी है ये देखो। भाभी प्लस खाना ये बनाती है, खाना ये बनाती है, इसको पता होगा इस चीज के बारे में। मैं थोड़े रसोई में बैठता हूँ। बताए पहले जो आंसर देगा, हो सकता है वो चीज दोनों को पता हो, लेकिन जो जल्दी बोलेगा ना पॉइंट्स उसके प्लस होंगे। ठीक है, जो फटाफट बोलेगा। तो एक भाभी जीत गई, एक भाई जीत गया। तो मैं अपना थर्ड क्वेश्चन पूछती हूँ। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? छिपकली कॉकरोच। छिपकली कॉकरोच दोनों ही है, रेंगने वाले कीड़े से। गाइस आंसर तो सही है, रेप्टाइल्स। मुझे रेप्टाइल्स से डर लगता है, लेकिन आंसर पहले भाई ने दिया था छिपकली। तो भाई जीतता है। भाभी तुमने वो रजत की वीडियो देख ली थी क्या? रजत नहीं, कॉकरोच नहीं, कोई नहीं। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे रेंगने वाले कीड़ों से डर लगता है। हाँ एक बार बोला। तो भाई जीत गया, जल्दी बोलना जी। वैसे इतना बोलती है पटर पटर, या नहीं बोल रही व्लॉग में? सोच रही हूँ ना क्या क्या यार, अचानक से पूछ रहे हो ना तभी। ठीक है, अब मैं अपना फोर्थ क्वेश्चन पूछती हूँ। ये कैसे बड़े ध्यान से देख रही है, इसको बड़े मजे आ रहे हैं। अभी कितने पॉइंट पे चल रहे हैं? भाई प्लस चल रहे हैं। नहीं प्लस, भाई प्लस है, मैं भी प्लस हो गया और मैं माइनस है। भाई ने 2 आंसर सही बताए हैं, भाभी ने सिर्फ 1, दाल चावल। क्योंकि रसोई में रहती है, खाना बनाने के लिए किसको ज्यादा पता है क्या बन रहा है, क्या किसको पसंद है। हाँ तो चलो अभी मैं अपना फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, मतलब पूछती हूँ। पूछूं? हाँ। मेरी फेवरेट मूवी नहीं, मतलब कि मुझे किस टाइप की मूवी पसंद है? फेवरेट मूवी है जीत गई, सस्पेंस
थ्रिलर, मुझे इस टाइप की मूवी पसंद है। तुम्हें कैसे पता ये बात? बताया था तुमने कई बार घर पे? घर पे तो बताया कई बार कि मुझे नहीं, उस तरीके की कई बार मूवीज हम लोगों ने देखी है ना, साथ में बैठ के देखी है, इस वजह से। तुम देखी तो मैंने तुम्हारे साथ है, भाभी तो मूवी नहीं देखती, किचन में बैठी रहती है, फिल्म को खिलाती रहती है, ध्यान तो देती रहती है ना क्या चल रहा है क्या नहीं। पहले क्यों नहीं बोला? मैं मेरे बोलने से पहले मेरे मुंह में आया था तुरंत इसने बोल दिया। थोड़ा भाभी भी रहम कर लो भाई, तो इक्वल हो गए दोनों, 2 points इनको मिलते हैं, 2 points इनको मिलते हैं, तो दोनों भी बराबरी पे चल रहे हैं। देखो भाई देखो, एक अगर दोनों इक्वल पे हुए तो पैसे किसी को नहीं मिलेंगे। अच्छा या फिर ऐसे कर लो, 500 में से 250 तुम 250 तुम ले लेना, ऐसे कर लो, 250 250। अरे भाभी तुम तो गजब, तुमने तो कैसे। ठीक है तो गाइस मैं अपना 5th क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। पूछूं? पूछो। मेरा फेवरेट कार्टून कौन सा है? कार्टून टॉम एंड जेरी। तुम्हें कैसे पता? तू अभी भी कई बार अभी भी उस चीज की कभी भी तूने बातें करी और देखा भी उस कार्टून को। गाइस जब भी जैसे मैं घर जाती हूँ यहाँ, तो मैं टीवी वगैरह नहीं देखती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, और अभी मेरे को मूवी का ज़्यादा थोड़ा क्रेज हो गया, पूरे दिन मूवी वूवी देख लेती हूँ, सीरियल वीरियल भी नहीं देखती। लेकिन जब भी मैं अभी बीच बीच में घर जाती हूँ ना, तो मैं टॉम एंड जेरी जरूर देख ही लेती हूँ। लाइक जब से मैं आई तब से तुमने एक बार भी नहीं देखा, तब तक तो पिंचू हो गई, अपने घर में खुद ही एक कार्टून हो गया, उसको खिलाती रहती हूँ, टॉम एंड जेरी क्या देखूँ अब। सही बात। तो मेरा फेवरेट कार्टून गाइस टॉम एंड जेरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, जब उसको जेरी को टॉम को जेरी परेशान करता है और उसका मुंह इधर पिचक जाता है, जिस शेप पे गिरता है वो उसी शेप का हो जाता है, तो मुझे कार्टून बहुत पसंद है। तो भाई के हो गए 3 points। वैसे मुझे वो भी पसंद है, छोटा भीम भी पसंद है, मोटू पतलू भी पसंद है। फेवरेट की बात नहीं है। हाँ पसंद है, लेकिन मैंने लिखा टॉम एंड जेरी ही है, ये देख लो गाइस, चीटिंग नहीं, टॉम एंड जेरी लिखा है। ठीक है, 6th क्वेश्चन पूछूं? वैसे लिखे तो मैंने 6 ही हैं, क्योंकि अभी 3 है और आप 2 हो। हाँ तो गाइस मेरा 6th क्वेश्चन ये है कि मैं लास्ट टाइम कब रोई थी। अब ये कैसे पता चल सकता है लास्ट टाइम कब कौन रोया था? भाई पता चल सकता है, तुमने कभी देखा होगा, तुमने देखा होगा, तुम लोगों के आगे ये तो हम, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि किसके मोमेंट पे कौन कब रोया था। हाँ। अब पता लगा मैंने जब देखा हो उसके बाद भी तू रोई हो, मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ तो वो बताओ ना, तुमने लास्ट टाइम मुझे कब रोते हुए देखा था, तुमने कब देखा था, मैं लास्ट टाइम कब रोई थी और क्यों क्या था, कुछ पता है? इनका तो पता है मुझे लास्ट टाइम कब रोया, इनका बता दो चलो। पुराने जो ब्रेकअप हुए हैं ना वो याद आने लगते हैं ना कि कहाँ आके फंस गया। बताओ 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 यार, तुम्हारा कैसे बताए, तुम इतना दूर रहते हो। मैं रोती नहीं, मिक्की तूने देखा मुझे रोते हुए कब? तेरे आगे इसके आगे तो मैं कभी नहीं रोई, तो कैसे यूं कर क्यों कर रहा है तुम? मेरे को पता नहीं, कोई याद तो आ रहा है लेकिन शायद 2020 में। क्यों और कब? मुझे तो नहीं याद, राखी के बाद रोई हो क्यों? बताओ तुम बताओ। मेरे ख्याल से तो राखी के बाद रोई हो। गाइस इनके एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा होगा मैं कभी रोती नहीं हूँ, इनको याद तक नहीं है। नहीं अभी इस तरीके से नहीं याद है ना कि अब तो सब हमेशा ज्यादा टाइम तो यहाँ रहती है, वहाँ जाती है जैसे महीने 15 दिन पे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं याद। नहीं हार मान गए, हार मान गए, मुझे इतना है कि राखी के बाद रोई। राखी के बाद? इस राखी के बाद रक्षाबंधन पे याद आया? रक्षाबंधन पे रोई थी मैं। कौन सा? वो 2018 वाली रक्षाबंधन? हाँ, जब रोई थी मैं। नहीं कब रोई हूँ मैं उसके बाद? 2020 में भी तो रोई है। कब रोई हूँ बताओ फिर? 2020 में नहीं, रोना नॉर्मल बता दो, रोई भी कब? शायद अक्टूबर नवंबर का महीना 2020 की बात। कब? कुछ ऐसी बात हुई थी, अब ऐसे तो याद नहीं। हाँ घर पे रोई थी मैं। हाँ घर पे। अच्छा
ठीक है, याद आ गया मुझे, याद आ गया जो भाई कहना चाहता है, मुझे याद आ गया गाइज। तो गाइज मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम काफी अच्छे दोस्त थे, तो हमारी ना लड़ाई हो गई थी, तो उसने मेरे को बुरा भला बोल दिया था, जबकि मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला था, तो इसलिए हमारी लड़ाई हो गई थी, तो मैं घर पे बैठ के रो रही थी, तो मम्मी और भाई ने देख लिया था, तो इतनी सी बात है, वही ना इंस्टा भोग रहा पीछे से, तब मैं रोई थी लास्ट टाइम। 1.5 साल पुरानी बात है, इसलिए उतना ढंग से याद नहीं है। हाँ तो गाइज मैं 1.5 साल पहले रोई थी हमारे सामने, वो तो हमारे सामने बात है, अब पीछे से कौन कब रोया पता चल रहा है? नहीं मैंने, कुछ चीज आदमी चुपके से भी रोता है। तुम रोते हो क्या चुपके से? तो गाइज भाई के होते हैं 4 पॉइंट्स, भाभी के होते हैं 2, ठीक है भाभी, इसका मतलब रिजल्ट ये निकलता है कि भाभी हार गई है, भाई जीत गया है, है ना? सही बात भाई। भाभी तुम मुझे सही से नहीं जानती, तुम्हारे लिए कमेंट्स भी आते हैं ऐसे ऐसे, नंद को भाभी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी भाभी ऐसे करती है, क्यों करती हो? तुम्हें तो नहीं लगता ना? नहीं मुझे नहीं लगता। हाँ तो ना लगे, तुम्हें नहीं लगना चाहिए बस। तो दूर से बैठे हुए लोगों को क्या पता, 10 मिनट के ब्लॉग में 5 मिनट के ब्लॉग में कोई कैसे जज कर सकता है कौन कैसा है? सही बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाई ऐसी नहीं है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, और पता है आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि ना भाभी के बोलने का एक्सेंट और उनका लुक देने का एक्सेंट वही ऐसे की एटीट्यूड वाला, बाकी भाभी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता, पता नहीं आप लोगों को क्यों लगता है। तो चलो रिजल्ट यही हुआ कि भाभी हार गई भाई जीत गया, तो अभी 500 रुपये नहीं मिलेंगे। तो पता ही था मुझे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे वेट करो मैं लाती हूँ, मैं लाती हूँ। तुम पे होते कैश पैसे? अरे है, नहीं होते क्या? पेटीएम कर देती ला, आ जा आ जा, मैं कितू आ जा आ जा। गाइस चीटिंग नहीं करते, ये देखो यहाँ पे पैसे रखे हैं, ये जो कि मैंने जीते थे, याद है तुझे? हाँ विनय भैया के चैलेंज, विनय से मैंने विनय के व्लॉग में उससे जीते थे, ये कौन से चैलेंज में जो मुंह में पानी भर के, हाँ। तब से ये पैसे वैसे ही रखे हैं। गाइस मैं चीटिंग नहीं करते, देख लो 500 के करारे नोट है, तो ये पुरस्कार जाता है सचिन गिरी को। 500 का नोट तो ऐसा दिया जा रहा है जैसे 5 लाख का चेक हो। भाई ये तुम्हारी मेहनत की कमाई। भाभी तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बता दो, आपको हार के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, दोबारा हार बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड तो जीत गए ना, वाह। बताओ क्यों? बिल्कुल मत देना ये पैसे इनको, यही बोलने वाला था, इसको पता इसको पता है घुमा फिरा के होना मेरा ही है, खर्चा मुझे ही करना है, अभी मेरे ही हाथों में जाएंगे। मत देना तो कह रही है मैं हार के भी जीत गई। अभी अंदर जाके ना पैसा छीन लेंगे पापा की जेब से, ठीक है? वाह दोनों ऐसे जैसे खुद हो ऐसे इसको सिखा रहे हो, पैसे छीन लेंगे, ठीक है? तो मुझे पता चल गया तुम मुझे बहुत ज्यादा जानते हो, ठीक है मुझे पता चल गया भाभी तुम मुझे थोड़ा बहुत जानती हो। तो जानूंगी ना धीरे 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 धीरे, 1.5 साल हो गए, 2 साल होने वाले, 2 साल, हाँ 1 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे, 2 साल हो गए भाभी तुम मुझे अभी तक नहीं जान पाई, तो ये भी तो सोचो कितने टाइम से जानते हैं फिर भी ये पूरे नहीं जानते। जानते हैं तुम्हारा, नहीं खिचड़ी वैसे सही बताया था, मैं कौन सा रोज पका रहा हूँ या खिला रहा हूँ, खिचड़ी वैसे सही बताया था, 28-29 साल की उम्र में मैंने कभी खाना ही नहीं पकाया, मुझे कैसे पता होगा? अपनी बहन के खाने तो देखा करो। तो गाइज आई होप आपको इस व्लॉग में मजा आया होगा, अभी ये पर्ची मेरे किसी काम की नहीं है, ये मिक्की तू पकड़, तो अभी मतलब मुझे भी सुन के कि ये लोग मुझे मतलब भाई मुझे इतना जानता है, मुझे लगा नहीं जानता होगा, ये अपने काम में बिजी रहता है, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, भाभी मुझे इतना जानती हैं, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में बताना, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, मैं नेक्स्ट चैलेंज किस चीज के ऊपर बनाऊँ वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताना, और आपको चैलेंज चाहिए या फिर डेली ब्लॉग्स में अपडेट चाहिए ये चीज भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।